अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे स्वीडन में आए हुए पूरा एक साल गुजर चुका है और मेरा अभी तक का स्वीडन का जो सफ़र है बहुत ही अच्छा गुजरा है। मैंने लाइफ को बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखना और मुश्किलात से लड़ना सीखा है, जो कि मैं पाकिस्तान में रह के शायद कभी भी सीख ना पाता। स्वीडन में नए आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको परमानेंट घर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए वो टेम्प्रेरी तौर पर किसी न किसी घर के अंदर रहते हैं जो कि 6 या 4 माह के लिए इनको मिलता है। और अगर वो घर फर्निश नहीं है तो उस घर के अंदर जो भी आप फर्नीचर या चेयर्स या बेड वगैरह बाय करके लाएंगे उसको कम्यूट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। और यही सिचुएशन मेरी भी थी। चूंकि ज़िंदगी के 24 साल मैं बेड या चारपाई के ऊपर सोया हूँ तो ज़मीन पे सोना थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया। और अभी मुझे रिसेंटली परमानेंट घर मिला है और मैंने सोचा क्यों ना कुछ फर्नीचर बाय कर लिया जाए, और उसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो बेड था। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मैंने ये वाला जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है ये बेड फाइनलाइज़ किया। बेड फाइनलाइज करने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि मैंने बेड को घर कैसे लेके आना है। मैंने अपने मेरे एक दोस्त हैं नफीस भाई, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। उनने बताया जो बेड है उसकी जो साइड्स हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और आम जो गाड़ी है उसके अंदर उनको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है, इसके लिए हमें कोई ना कोई लोडिंग सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज मौजूद हैं जो कि आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन उनके रेट्स कुछ ऐसे हैं कि वो मेरे बेड की हाफ प्राइस पे आ रहे थे, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने दोबारा से रिसर्च की और मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ और सर्विसेज भी मौजूद हैं जिनसे आप गाड़ी रेंट पे लेके जा सकते हैं और अपना समय सामान वगैरह कम्यूट करके तो गाड़ी उनको वापस कर सकते हैं। जो सर्विसेज मैंने फाइनलाइज की वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। उनमें एक हायर है, सर्कल के है, गो मोर है, और इनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो मेरा ख्याल था कुछ और ऑप्शन हमें कंसिडर किए जाएँ। मैं दोबारा फीस पे कॉल की, उनसे पूछा कि और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनने बताया कि उनके एक दोस्त हैं जिनके पास एक आध गाड़ी अवेलेबल हो रहती है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने उनको फ़ोन किया जिनका नाम शहराम भाई है, तो शहराम भाई ने बताया कि आज सैटरडे है तो आप आ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। तो मैं अभी निकल रहा हूँ बेड लेने के लिए, तो आपको दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी हमें मिली और हमने बेड को कैसे कम्यूट किया। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में और आपको बताता चलता हूँ साथ साथ में कि हमारा सफ़र कैसा गुजरा और रास्ते में क्या क्या चीज़ें हमने देखी। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शहराम भाई के घर, तो अभी हम उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ से लेंगे। अभी हमें शहराम भाई बता रहे हैं कि उनके पास भी कोई बेड पुराना पड़ा हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि अब नया ही ले लेते हैं। ओहो, ये रही हमारी गाड़ी। ये गाड़ी हमारे बेड लाने के लिए थोड़ी बड़ी है, लेकिन हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही है, तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जिसके वेयर हाउस के ऊपर, तो अभी हम यहाँ से बेड लेंगे, यहाँ से बेड उठा के गाड़ी में रखेंगे और फिर लेके जाएंगे अपने घर। तो हमारा बेड आ चुका है और नफीस भाई इसको सेटल अप कर रहे हैं गाड़ी के अंदर। तो
तो बेड पहुंच चुका है घर, और इसको जो है ये चूंकि पार्ट्स के अंदर आता है तो हम इसको अभी मैं आपके सामने इसको जोड़ूंगा तो आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए आगाही फ्राहम करना था जो लोग या तो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं या फिर नए आए हैं और उनको मूव इन या मूव आउट करते हुए मुश्किलात का सामना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वीडियो ना तक के लिए अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।